रफा की जंग इतनी लंबी खिंचेगी, ये इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कभी सोचा नहीं था। रफा पर हमला करने से पहले नेतन्याहू ने कहा था कि रफा में हमास की 5 बटालियंस का गढ़ है, जिनका सफाया किए बगैर इजरायली फौज रफा से वापस नहीं लौटेगी। लेकिन रफा में हमास की सिर्फ 5 बटालियन ही नहीं, बल्कि उसका एक ऐसा मजबूत नेटवर्क है जिसे इजरायली सेना अभी तक तोड़ नहीं पाई है। और यही वजह है कि रफा में हर कदम पर इजरायली सेना के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों को घात लगाकर उड़ा रहे हैं, जबकि आईडीएफ को इन हमलों में संभलने का मौका तक नहीं मिल पा रहा है। और अब हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि उसने आईडीएफ की सीमा में घुसकर एक बहुत बड़ा हमला किया है। अल कासिम का कहना है कि उसके लड़ाके राफा की तरफ से आईडीएफ की बाड़ेबंदी को भेद कर इजरायली सेटलमेंट्स में घुस गए और इसके बाद उन्होंने आईडीएफ के एक हेडक्वार्टर पर हमला किया जो राफा पर हमले के लिए जिम्मेदार था। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने भी माना है कि इस हमले में उसका एक सैनिक मारा गया है। इस हमले को लेकर इजरायली मीडिया का कहना है कि हमास के लड़ाके करीम अबू सलेम क्रॉसिंग को पार करके इस ओर घुस आए थे और इसी दौरान आईडीएफ के जवाबी हमले में एक जवान मारा गया। इस हमले के अलावा पश्चिमी रफा में हमास के लड़ाकों ने एक सुरंग में बारूद बिछाया हुआ था, जिसकी चपेट में आईडीएफ की पैदल सेना के 5 जवान आ गए। हालांकि आईडीएफ ने दावा किया है कि इस हमले में उसका सिर्फ 1 जवान मारा गया है। वहीं पश्चिमी देर अल बला सिटी में अल कासिम के लड़ाकों ने 3 मरकावा टैंकों और 2 D9 बुलडोजर पर अल यासीन 105 गोलों से हमला किया है। इसके अलावा हमास ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें दूर से आईडीएफ का एक टैंक आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर हमास का लड़ाका रॉकेट लॉन्चर से निशाना लगाता है और जैसे ही रॉकेट टैंक में लगता है वहां जोरदार धमाका होता है। इसके बाद मलबे के ढेर के पीछे एक टैंक और नजर आता है, जिस पर ठीक इसी अंदाज में हमास का लड़ाका गोला दाग देता है। और इसी वीडियो में आगे एक और सैन्य वाहन नजर आता है, जिस पर हमास का लड़ाका बेहद ही जोरदार तरीके से हमला कर देता है और वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस वीडियो के अलावा हमास ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें कुछ लड़ाके एक पेड़ के पीछे छिपकर लगातार रॉकेट फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमास के अगले वीडियो में कुछ लड़ाके ग्रेड रॉकेट को कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों लड़ाकों ने काले कपड़े से अपना मुंह ढका हुआ है और इसके बाद ये दोनों इन रॉकेट्स को फायर करना शुरू कर देते हैं।